देखो ध्यान दे बच्चों, अब जैसे अगर हम इस सर्कल को कॉम्प्लेक्स वाले मेथड से देखें तो क्या होगा, देखो एक पॉइंट है क्या z प्लस टू, मतलब माइनस टू से z और ये है z माइनस टू। देखो यहां पर अगर हम z मान लें तो ये हो जाएगा z प्लस टू, है ना, और देखो ये हो जाएगा z माइनस टू। देखो क्या हो रहा है, z प्लस टू को पाई बाई फोर से एंटी क्लॉक वाइज घुमाने पे z माइनस टू मिल रहा है, ऐसे है ना। देखो ये तो मतलब, देखो इसका मतलब ये इस सर्कल का पार्ट है। देखो ये हमारा कंप्लीट सर्कल ऐसे बनेगा, ये सर्कल का देखो मेजर सेगमेंट यहाँ पर आ गया है ना, सर्कल का देखो ये मेजर सेगमेंट यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब हमें इस सर्कल का, ये हमारा सर्कल हमको मिल गया है ना, ऊपर का पार्ट मिलेगा, नीचे का नहीं मिलेगा। आपको सर्कल का अपर पार्ट मिलेगा, लोअर पार्ट आपको नहीं मिलेगा, ऐसे करके लोअर पार्ट हमने ऐसे बना दिया मान लो यहाँ। अब इस सर्कल का हमको एक्चुअली क्या है, देखो सेंटर चाहिए है ना, सर्कल का हमको देखो सेंटर चाहिए। देखो क्या हो रहा है कि ये एंगल जो है ये पाई बाई फोर है ना, ये हमको मालूम है। हम मान लें इसका सेंटर जेड नॉट है, तो z नॉट पर जो एंगल बनेगा वो एंगल पाई बाई टू बनेगा। सेंटर पर बनने वाला एंगल सर्कमफेरेंस पर बनने वाले एंगल का डबल होता है। अब हम देखो z नॉट निकालना चाहते हैं, है ना। देखो क्या होगा, ये हमारा z नॉट है और ये देखो माइनस टू है और ये देखो प्लस टू है, ये हो जाएगा क्या z नॉट प्लस टू, और देखो ये हो जाएगा z नॉट माइनस टू, ठीक है। इसको यहां देखो हमने ऐसे करके मिला दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर हम क्या करेंगे, z नॉट चाहते हैं निकालना, ठीक है, और देखो ये सेंटर है और ये सर्कल का सर्कमफेरेंस है a और b, इस पर दो पॉइंट। देखो हम क्या करेंगे, इसमें हम रोटेशन का मेथड लगाएंगे। दो कैसे, इसको 90 से घुमाने पर ये मिल रहा है, तो जो मिलेगा वो ऊपर z नॉट माइनस टू है ना, जिसे घुमाया वो नीचे z नॉट प्लस टू। राइट साइड में देखो इन्हीं के मैग्नीट्यूड्स है ना, हम रोटेशन का फुल वाला मेथड लगा रहे हैं, आर्गुमेंट वाला नहीं, फुल वाला, जो सबसे पहला मेथड मैंने बताया था z1 माइनस z2 वाला, वो लगा रहे हैं, ठीक है, ध्यान दे। देखो और क्या होगा, ये एंगल पाई बाई टू है तो e की पावर i पाई बाई टू, देखो यहाँ पर ऐसे बनेगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, इन दोनों की लेंथ आपस में बराबर है, ये डिस्टेंस डिस्टेंस आपस में बराबर है, क्योंकि ये सर्कल का सेंटर है और ये पॉइंट सर्कमफेरेंस पर है और ये भी पॉइंट सर्कमफेरेंस पर है, तो ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में बराबर होंगी, इसलिए इनको कैंसिल कर सकते हैं। अब देखो e की पावर i पाई बाई टू क्या बनेगा, ये बनेगा cos पाई बाई टू प्लस i टाइम्स sin पाई बाई टू, cos पाई बाई टू जीरो sin पाई बाई टू वन, देखो ये i आ गया। अब देखो यहां से क्या हो गया, z नॉट माइनस टू अपॉन z नॉट प्लस टू बराबर i होता। अब हमें z नॉट चाहिए, cos मल्टीप्लाई करो z नॉट माइनस टू आयोटा z नॉट प्लस टू आयोटा, ठीक। अब देखो z नॉट क्या होगा, वन माइनस आयोटा बराबर है ना, देखो यहाँ पर ये टू आयोटा है, ठीक है, ऐसे है ना। देखो ये हो गया टू प्लस टू आयोटा। अब देखो z नॉट क्या हो गया, टू कॉमन तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। एक काम करें, देखो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। देखो z नॉट हो गया 2 ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और देखो नीचे a प्लस b a माइनस b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर माइनस 1, तो प्लस 1 हो गया। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, देखो ये 2 आयोटा आ गया, मतलब देखो इस सर्कल का सेंटर आ गया 2 आयोटा z नॉट, है ना। तो सेंटर हमें देखो यहां पर z नॉट मिल गया 2 आयोटा, z नॉट की वैल्यू देखो 2 आयोटा मिल गई। और हम ध्यान से देखें, देखो जो सर्कल प्रूफ करना है उसका सेंटर 2 आयोटा ही है, है ना, ध्यान दो। अब रेडियस निकालना है, तो जैसे ये सेंटर है ये पॉइंट, इनके बीच की डिस्टेंस निकालो, रेडियस हो जाएगी।
ऐसे मान लो ये सी है सेंटर और हमें रेडियस चाहिए, तो देखो रेडियस क्या हो जाएगा, सी ए डिस्टेंस मतलब मॉड ऑफ जेड नॉट है ना माइनस माइनस प्लस टू है ना, तो इसका मॉडुलस जेड नॉट क्या है, जेड नॉट है टू आयोटा प्लस टू का मॉडुलस, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो देखो ये टू रूट टू बन जाएगा इस सर्कल का हमारा, देखो ये रेडियस बन जाएगा टू रूट टू, यही हमको चाहिए है ना, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर हमें इस सर्कल का रेडियस मिल जाएगा, जेड नॉट मतलब सेंटर क्या है देखो टू आयोटा है ना, सेंटर आ गया टू आयोटा और रेडियस क्या है बोलो टू रूट टू, तो देखो सर्कल का इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं है ना। तो इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मेथड से करना चाहें तो रोटेशन से कर सकते हैं, नहीं तो उसको कोऑर्डिनेट में चेंज करके भी सेंटर रेडियस को निकाला जा सकता है, ध्यान दो ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये वो क्वेश्चन नहीं है, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है आईआईटी ने पूछा हुआ है ठीक है। लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको,